नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है पंकज और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई दुबई में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राउंड अबाउट के रूल्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आपको राउंड अबाउट का सिग्नल या साइन दिखे, आपको स्पीड थोड़ा स्लो करना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आपने किस साइड जाना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है गिव वे साइन, मतलब अगर आपको लग रहा है कि डेंजर है तो आपको रुकना है, अगर रास्ता क्लियर है तो आप निकल सकते हैं। बट अगर इस डॉटेड लाइन की जगह अगर यहाँ पे सॉलिड व्हाइट लाइन हो तो इसका मतलब है आपको 3 सेकंड रुकना है, अपोजिट साइड से देखना है कि ट्रैफिक है कि नहीं है, अगर रास्ता क्लियर है तब आपको आगे निकलना है। अब राउंड अबाउट में सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, उस हिसाब से आपको लाइन लेनी है। अब सपोज कीजिए कि आप राइट टर्न करने वाले हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये थ्री वे ये है तो इसमें साइन दिया हुआ है, बट यूजली फॉर राइट टर्न आपको जो राइट मोस्ट लाइन है वहाँ पे जाके रुकना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर रास्ता क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी आनी होनी चाहिए और राउंड अबाउट में क्लियर होना चाहिए। अगर रास्ता क्लियर है तो आप इंडिकेटर दीजिए राइट में और आप आगे स्ट्रेट लाइन पे जा सकते हैं। आपको लाइन मर्ज नहीं करनी, आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे आप जंप नहीं कर सकते, आपको सेम लाइन पे जाना है। अगर आप जा रहे हैं स्ट्रेट तो आपको क्या करना है, आप ये लाइन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। यूजली दुबई में साइन बने होते हैं कि आप कौन सी लाइन ले सकते हो, अगर ये तीन लाइन वाला तो हो सकता है आपके लिए दो ही लाइनें ओपन हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि स्ट्रेट जाने के लिए आपको स्टार्टिंग में इंडिकेटर नहीं देखना है, आपको पहले देखना है कि लेफ्ट साइड से रास्ता क्लियर है, अगर क्लियर है राउंड अबाउट तो आप सीधा निकल जाएं। और जब आप यहाँ पे पहुँचने वाले हों जो एग्जिट के पास, तब फिर आपको राइट इंडिकेटर दे के आगे निकलना है। बट यहाँ पे निकलने के बाद क्योंकि आप लेफ्ट लाइन में मर्ज हो रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप राइट लाइन में फिर से वापस आएँ, और उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आगे कोई पेडेस्ट्रियन वे नहीं है या सॉलिड लाइन नहीं है जहाँ से आप लाइन नहीं चेंज कर सकते। जैसे ही वो क्लियर हो आप अपनी राइट लाइन में आ जाएं। ये जो रोड टेस्ट है उस पर वेरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करेगा। अगर आप जा रहे हैं लेफ्ट तो यूजली आपके जो लेफ्ट वाली लाइन है वहाँ से आना है और अंदर वाली लाइन से होके जाना है। स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है, बट जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर चेंज करके राइट साइड के लिए कर देना है। और अगेन यहाँ पे आप क्योंकि लेफ्ट लाइन में मर्ज हो रहे हैं, आगे जाके आपको इवन इंस्ट्रक्टर ने नहीं भी बोला है तो आप तो भी आपको राइट लाइन में वापस आना है। और जैसे ही आप यहाँ पे राउंड अबाउट के पास हों, यूजली राउंड अबाउट में स्पीड आपकी 20 से 40 के आसपास रहेगी, बट जैसे ही आप एग्जिट करने वाले हों आपको स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करके रोड स्पीड पे पहुंचना है। 60 का रोड है तो आपको स्पीड 60 तक पहुंचनी चाहिए। और यू टर्न के लिए अगेन लेफ्ट टर्न की तरह ही है, आपको लेफ्ट इंडिकेटर देके लास्ट में यहाँ पे आके राइट इंडिकेटर देना है। अब राउंड अबाउट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे ही आप एग्जिट अपनी लोकेशन की तरफ जा रहे हो तो आपको हमेशा राइट साइड में आपको ब्लाइंड स्पॉट का चेक करना है, अगर क्लियर है तब जाके आपको निकलना है। और स्पीड को जैसे ही आप एग्जिट कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करके निकलना है ताकि आप रोड की स्पीड को मेंटेन कर सकें। और अगर आप लेफ्ट लाइन में मर्ज हो रहे हैं तो राइट लाइन में आना ना भूलें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी वो भी इमीडिएट फेल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें राउंड अबाउट में आपको क्या देखनी है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्लियर है कि नहीं, लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए वो इमीडिएट फेल, अगर लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है और आप राउंड अबाउट में एंटर कर जाते हैं तो इमीडिएट फेल है। अगर आपके कोई सजेशन या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मिस्टर फाइन डाइन में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।